क्या फैमिली के लिए किसी भी हद तक गुजर जाना गलत है? This is the face of the Indian Army. नमस्कार, शिवा कार्तिकेयन स्टार तमिल की बायोग्राफिकल एक्शन ड्रामा फिल्म अमरान सिनेमाघरों में 31 अक्टूबर को दिवाली के मौके पर रिलीज हो चुकी है और फिल्म अपने पहले दिन ही ताबड़तोड़ कलेक्शंस कर सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है। एडवांस बुकिंग से लेकर के फर्स्ट डे के फर्स्ट शो हर जगह हाउसफुल नजर आ रहे हैं। बात करें फिल्म अमरान की तो फिल्म अमरान मेजर मुकुंद वरदराजन की इंस्पायरिंग स्टोरी को दिखाती है जिसमें शिवा कार्तिकेयन एंड साई पल्लवी लीड रोल में नजर आ रहे हैं। बात करें फिल्म के पहले दिन के कलेक्शंस की तो फिल्म अमरान ने अपने पहले दिन वर्ल्ड वाइड के बॉक्स ऑफिस से 55 से 60 करोड़ की धमाकेदार ओपनिंग कर शुरुआत कर रही है, जहां फिल्म का तमिलनाडु स्टेट से 15 करोड़ की ग्रॉस कमाई कर शुरुआत हो रही है। दोस्तों बता दूं कि फिल्म अमरान साल 2024 की तमिल की तीसरी हाईएस्ट बेस्ट ओपनिंग लेने वाली फिल्म बनी है। दोस्तों बता दूं कि फिल्म को ओवरऑल 200 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है, इंक्लूडिंग प्रमोशन कॉस्ट को मिलाकर। वहीं दोस्तों बता दूं कि फिल्म को कश्मीर के खूबसूरत वादियों में शूट किया गया है। फिल्म में शिवा कार्तिकेयन मेजर मुकुंद वरदराजन के किरदार में हैं, तो वहीं फिल्म में साई पल्लवी सिंधु रेबेका यानी मेजर मुकुंद वरदराजन की पत्नी के किरदार में नजर आ रही है। फिल्म को फिलहाल ऑल ओवर इंडिया में पॉजिटिव रिव्यू मिल चुका है। फिल्म आने वाले दिनों में धमाकेदार कलेक्शन करने के लिए तैयार है। दोस्तों बता दूं कि फिल्म को तमिल के अलावा तेलुगु, हिंदी, मलयालम एंड कन्नड़ा लैंग्वेज में रिलीज किया गया है। फिल्म अमरान में शिवा कार्तिकेयन जबरदस्त पावरफुल नजर आ रहे हैं। फिल्म अमरान दोस्तों अगर आपने अभी तक मिस किया है तो आप एक शिवा कार्तिकेयन की एक बेस्ट मूवी को मिस कर रहे हैं। नजदीकी थिएटर्स में फिल्म अमरान को जरूर देखें। चलिए दोस्तों बात करते हैं श्री मुरली स्टार कनाडा लैंग्वेज की साल 2024 की सुपर हीरो फिल्म बागीरा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे वन एंड बजट के बारे में। दोस्तों बात करेंगे फिल्म बागीरा के कलेक्शन की, तो फिल्म बागीरा फाइनली दिवाली के मौके पर 31 अक्टूबर को सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है और फिल्म ने अपने पहले दिन ही धमाकेदार ओपनिंग कर शुरुआत कर ली है। बात करें फिल्म बागीरा के पहले दिन के कलेक्शंस की तो फिल्म बागीरा ने अपने पहले दिन वर्ल्ड वाइड से करीब 20 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर शुरुआत कर रही है। दोस्तों बता दूं कि फिल्म को 40 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है। दोस्तों फिल्म बागीरा की बात की जाए तो फिल्म बागीरा में श्री मुरली धमाकेदार रोल में नजर आ रहे हैं। फिल्म में पावरफुल एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलते हैं। फिल्म में VFX VGM हाई क्लास के हैं। फिल्म को फिलहाल पॉजिटिव रिव्यू मिल चुके हैं। फिल्म आने वाले दिनों में ताबड़तोड़ कलेक्शंस करने के लिए भी तैयार है। फिल्म बागीरा को लेकर के ऑडियंस में जबरदस्त का क्रेज देखा जा सकता है। फिल्म का रिलीज से पहले ही काफी ज्यादा हाइप बना हुआ था। फिल्म बागीरा को लेकर के फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। फिल्म वीकेंड डेज में ताबड़तोड़ कलेक्शंस करने के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। फिल्म के स्टार कास्ट की बात करें तो फिल्म में श्री मुरली के अलावा रुक्मिणी, वसंत, प्रकाश राज, रामचंद्र राजू जैसे कई अन्य कलाकार भी नजर आ रहे हैं। फिल्म को विजय राघवेंद्र के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है, तो वहीं फिल्म की स्टोरी लाइन को प्रशांत नील ने लिखा है। फिल्म को होमले प्रोडक्शंस के द्वारा तैयार किया गया है। फिल्म में श्री मुरली IPS की भूमिका में नजर आए हैं। दोस्तों फिल्म बागीरा देखने की सोच रहे हैं तो वीकेंड डेज में फिल्म बागीरा को बिल्कुल भी मिस ना करें। चलिए दोस्तों बात करते हैं तेलुगु लैंग्वेज की साल 2024 की फाइनेंशियल क्राइम थ्रिलर फिल्म लकी भास्कर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे वन एंड बजट के बारे में। दोस्तों बात करेंगे दुलकर सलमान एंड मीनाक्षी चौधरी स्टार फिल्म लकी भास्कर के कलेक्शंस की बात करें तो फिल्म लकी भास्कर फाइनली सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है और फिल्म को लेकर के जबरदस्त का क्रेज भी देखा जा सकता है। फिल्म के पहले दिन के शोज हर जगह हाउसफुल नजर आए। बात करें फिल्म के पहले दिन के कलेक्शंस की तो फिल्म ने अपने पहले दिन वर्ल्ड वाइड से 15 करोड़ से ज्यादा की ग्रॉस ओपनिंग कर शुरुआत कर रही है। दुलकर सलमान एंड मीनाक्षी चौधरी की फिल्म को फिलहाल पॉजिटिव रिव्यू मिल चुके हैं। तेलुगु फिल्म लकी भास्कर ऑडियंस को लुभाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। फिल्म में दुलकर सलमान भास्कर नामक एक बैंकर की भूमिका में है जो अचानक से करोड़पति बन जाता है। फिल्म में उसके जीवन की जर्नी को दिखाया गया है। फिल्म लकी भास्कर एक प्योर एंटरटेनर एंड थ्रिलर फिल्म है। फिल्म को देखने की सोच रहे हैं तो वीकेंड डेज में फिल्म लकी भास्कर को बिल्कुल भी मिस ना करें। फिल्म आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। फिल्म में दुलकर सलमान वाकई में जबरदस्त नजर आए हैं। फिल्म की स्टोरी काफी जबरदस्त है जो कि फिल्म आपको आखिरी समय तक एंगेज करने वाली है। फिल्म लकी भास्कर दोस्तों आपने फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा या ना देखा अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। चलिए दोस्तों बात करते हैं साल 2024 की तमिल लैंग्वेज की कॉमेडी ड्रामा फिल्म ब्रदर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे वन एंड बजट के बारे में। दोस्तों बात करेंगे जयाम रवि एम प्रियंका मोहन स्टारर फिल्म ब्रदर के कलेक्शन की बात करें तो रोमांटिक ड्रामा फिल्म
ब्रदर फाइनली दिवाली के मौके पर 31 अक्टूबर को रिलीज हुई है। फैंस दिवाली के मौके पर रोमांटिक ड्रामा फिल्म भी देखना पसंद करते हैं, ऐसे में फिल्म ब्रदर भी सिनेमाघरों में ठीक ठाक ओपनिंग लेने में कामयाब रही है। बात करें फिल्म के पहले दिन के कलेक्शन की, फिल्म ब्रदर ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे वन के अंदर वर्ल्ड वाइड से करीब 5 से लेकर 6 करोड़ की ओपनिंग कर शुरुआत कर रही है। दोस्तों बता दो कि फिल्म ब्रदर दिवाली के मौके पर फिलहाल कई बड़ी बड़ी फिल्मों से क्लैश हो रही है। फिल्म ब्रदर भी फिलहाल सिनेमाघरों में रिलीज है। फिल्म को फिलहाल पॉजिटिव रिव्यू मिला है। फिल्म आने वाले दिनों में ठीक ठाक कलेक्शंस करने में भी कामयाब हो सकती है। फिल्म ब्रदर दोस्तों आपने अभी तक देखी या ना देखी, फिल्म को देखने की सोच रहे हैं तो नजदीकी थिएटर्स में फिल्म ब्रदर को बिल्कुल भी मिस ना करें। चलिए दोस्तों बात करते हैं तमिल लैंग्वेज की साल 2024 की ब्लैक कॉमेडी फिल्म ब्लडी बेगर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस डे 1 एंड बजट के बारे में। दोस्तों फिल्म ब्लडी बेकर फाइनली सिनेमाघरों में 31 अक्टूबर को दिवाली के मौके पर रिलीज हो चुकी है। शिवा बाला मुथु कुमार के डायरेक्शन में बनी फिल्म को फिलहाल पॉजिटिव रिव्यू मिले हैं और फिल्म अपने पहले दिन ही ठीक ठाक ओपनिंग लेने में कामयाब रही है। केविन स्टारर तमिल फिल्म ऑडियंस को इम्प्रेस करने में कामयाब रही है। बात करें फिल्म के पहले दिन के कलेक्शन की तो फिल्म ब्लडी बेकर अपने पहले दिन वर्ल्ड वाइड से करीब 2 से लेकर 3 करोड़ की ओपनिंग कर शुरुआत कर रही है। फिल्म के बजट की बात कर ले तो फिल्म को ओवरऑल 20 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है, इंक्लूडिंग प्रमोशन कोस्ट को मिलाकर। फिल्म की बात की जाए तो फिल्म के लिए केविन ने काफी ज्यादा मेहनत की है। वे गरीब का लुक लेकर के सड़कों पर भीख भी मांगते हुए नजर आए हैं ताकि वे देख सके कि बेगर का लुक उनमें जस्ता है कि नहीं। फिलहाल फिल्म ब्लडी बेगर सिनेमाघरों में रिलीज है और फिल्म ऑडियंस को इंप्रेस करने में कामयाब है। फिल्म वीकेंड में शानदार कलेक्शन करने के लिए भी तैयार है। फिलहाल फिल्म बड़ी फिल्मों से क्लैश हो रही। फिल्म ब्लडी बेगर दोस्तों आपने अभी तक देखी या ना देखी, फिल्म को लेकर क्या रहा है कमेंट में राय बता सकते हैं। तो दोस्तों ये था लेखा झुका हाल फिल्म के कलेक्शंस का। पोस्ट पसंद आया तो लाइक करिएगा, लाइक कर एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बॉक्स ऑफिस के लेटेस्ट न्यूज के लिए जुड़े रहिए मेरी इस एंटरटेनमेंट न्यूज कलेक्शंस के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।